सब्सक्राइब कीजिए अराइव 24 न्यूज को और नोटिफिकेशन के लिए घंटी जरूर दबाएं सबसे पहले हमारी वीडियो को देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का घरेलू न्यूज के में और मैं हूं आपकी दोस्त हिमांशी उपाध्याय। कान बहना, जिसे ऑटोरिया नाम से भी बुलाया जाता है, इस समस्या में कान से तरल पदार्थ निकलता है। ये परेशानी काफी आम है और इससे लगभग सभी उम्र के लोग प्रभावित होते हैं। ये समस्या शिशुओं और छोटे बच्चों में भी देखी जाती है। कान बहना कई स्थितियों का संकेत हो सकता है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि वह तरल पदार्थ किस प्रकार का है। आमतौर पर इसमें कान से वैक्स का रिसाव होता है, जो कि आपके शरीर में स्वाभाविक रूप से बनता है। असामान्य कान का बहना कान के पर्दे के खराब होने, चोट लगने या कान के मध्य क्षेत्र में संक्रमण फैलने से होता है। अन्य कारण जैसे एक्जिमा और कान की नलिका में संक्रमण से भी कान में रिझाव हो सकता है। अन्य गंभीर कारणों की वजह से आप कान में दर्द और असहजता महसूस कर सकते हैं। कान बहने के कारण पर इसका इलाज निर्भर करता है, लेकिन कान के हल्के रिझाव के लिए कुछ आसान घरेलू उपाय भी हैं जो आपकी सहजता और समस्या को कम करने में मदद करेंगे। तो आइए आपको बताते हैं कान बहना रोकने के घरेलू उपाय। बंद कान और कान के वैक्स को बढ़ने से रोकने के लिए आप घर पर भाप ले सकते हैं। घर में स्टीम ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहले एक कटोरे में गर्म पानी लें और फिर उसमें तौलिए को डुबोएं। अब तौलिए को सिर पर बांध लें, इससे कानों तक गीली तौलिए का प्रभाव पहुंचेगा। भाप टॉशियन ट्यूब को खोलने में मदद करेगी, इस तरह कान का तरल पदार्थ निकलने लगेगा। इसके अलावा आप एक कटोरे में गर्म पानी भी भर सकते हैं, फिर सिर को तौलिए से ढक लें। इस बात का ध्यान रहे कि कान में भाप जा रहा हो। अगर आपको इससे किसी भी तरह की असहजता महसूस होती है तो आप इस उपाय को फिर ना करें। कान से रिसाव को साफ करने के लिए ग्रेविटी सबसे अच्छा ट्रीटमेंट है। ग्रेविटी ट्रीटमेंट करने के लिए जिस कान से रिसाव होता है उस कान की तरफ अपने सिर को झुका लें। लगातार सिर को एक तरह झुकाए रखने से आपकी गर्दन में दर्द महसूस हो सकता है, इसलिए लेटकर एक तरफ अपने सिर को झुकाना एक अच्छा विकल्प है। साथ ही अपने कान के नीचे तौलिए को रख लें। कान से तरल पदार्थ को साफ करने के लिए आप ब्लो ड्रायर का इस्तेमाल कर सकते हैं। बस अपने ड्रायर को कम स्तर पर चलाएं और अपने कान से उसे 5 इंच दूर रखें। ड्रायर से निकलती गर्मी हवा कान से रिसाव को आसानी से निकालने में मदद करेगी। कान को साफ करने के लिए ध्यानपूर्वक ड्रायर का इस्तेमाल करें। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आरआई 24 न्यूज, पहचान सच्चाई की। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें। हम आपको ऐसे ही तमाम खबरों की अपडेट्स देते रहेंगे।